मुहर्रम गणेश पूजा सहित आने वाले सभी त्योहारों को देखते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने नागरिकों से अपील किया है कि वह सभी त्योहार अपने घरों में ही मनाएं तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतया पालन करें। जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने कहा कि भारत त्योहारों का देश है, यहाँ बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन कोरोना वायरस से निजात पाने के लिए हमें त्योहारों को अपने घरों के भीतर ही हर्षोल्लास के साथ मनाना पड़ेगा। जब कोरोना काल समाप्त हो जाएगा तो सभी लोग पुराने रूप में पारंपरिक तौर तरीके से अपने त्योहारों को मना सकते हैं। फिलहाल कोरोना के इस दौर में त्योहारों को घरों के भीतर ही मनाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने कहा, देखिए इसी महीने में बहुत सारे त्योहार हैं, जैसे मुहर्रम भी है, तीज भी है और बीच में दो तीन ये चतुर्थी भी है, गणेश चतुर्थी भी है, बहुत सारे त्यौहार हैं। मैं आपसे बस यही तो विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, ये देखिए ये हम लोग देश है तो ये त्यौहार के ही देश है। हर सप्ताह हर महीने कुछ ना कुछ त्यौहार होता है, त्यौहार के नाम से हम इकट्ठे हो जाते हैं, फिर गला मिला लेते हैं, फिर कहीं तो हाथ से हाथ मिला लेते हैं, सारे चीज़ होता है। इस समय में जो कोरोना का संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है, इसी दृष्टि पे मैं आपसे अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ, घर का अंदर ही मनाएं। जो आप किसी भी आस्था में आप भरोसा रखते हैं, घर का अंदर ही पूजा पाठ करें, जो भगवान का प्रार्थना करना है घर का अंदर ही करें, और बाहर आकर के मिलना जुलना इसको कम से कम करिए और मत करिए, ताकि इस पर आप हो सकता है जाने अनजाने में किसी से बीमारी फैल भी सकता है, नहीं तो किसी से बीमारी आपको आ भी सकता है, ये दोनों का खतरा रहता है। इस समय में हम लोग का बचाना होगा, और मैं आपसे अपील करता हूँ जो भी त्यौहार मनाना है घर के अंदर ही मनाएं, बाहर जा कर के जुलूस के रूप से और किसी बड़ा भीड़ भाड़ के रूप से मत मनाइए, घर के अंदर ही मनाइए। और आपका मेरा हार्दिक शुभकामनाएं आगे त्यौहार को भी, और भगवान से हम भी प्रार्थना करते हैं जल्दी से जल्दी ये कोविड से हम लोग को मुक्ति मिल जाए।